फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पे कोई एक बजट लैपटॉप देख रहे हैं जो आपको 20,000 के अंडर मिल जाए और फीचर्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको मिल जाए, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे है। आज की वीडियो पे मैं आपको 3 बेस्ट लैपटॉप्स बताऊंगा जो अंडर 20,000 में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फीचर की मैं अगर मैं आपको क्राइटेरिया बताऊं कि हमें इसमें क्या क्या क्राइटेरिया जो मैंने इसमें लैपटॉप्स में रखी हैं, इसमें सबसे पहले तो फ्रेंड्स रैम जो हमारी होनी चाहिए वो 4 GB तक तो कम से कम यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए, और यहाँ पे अल्ट्रा HD ग्राफिक्स हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए जिसमें गेमिंग के लिए काफ़ी बढ़िया हमें ग्राफिक्स यहाँ पे मिले। और यहाँ पे विंडो 10 प्रो यहाँ पे फ्रेंड्स लेटेस्ट OS हमारा विंडो का होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कम से कम 128 GB की SSD आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इसके क्राइटेरिया रख रखे हैं। अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में आपके लिए जो बेस्ट 3 लैपटॉप्स हमने यहाँ पे रख रखे हैं अंडर 20,000 की। तो गाइस, वीडियो आपने पूरा एंड तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित, आप देख रहे हैं टेक विद रक्षित यूट्यूब चैनल को। तो बिना किसी देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो हमने 3 लैपटॉप चूज कर रखे हैं अंडर 20,000 में, जिनमें आपको फीचर काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो हमारा पहला लैपटॉप है फ्रेंड्स, ये रिन्यूड लैपटॉप आपको मिल जाता है, और इसकी मैं ब्रांड की बात करूँ तो ये आपको फुजित्सु ब्रांड एक लैपटॉप की है, ये आपको उसका लैपटॉप मिल जाता है। शायद फ्रेंड्स आपने ये ब्रांड का नाम बहुत कम सुना होगा या किसी ने तो सुना ही नहीं होगा। तो इसमें आपको फीचर्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो 15.6 इंच की फुल HD आपको यहाँ पे डिस्प्ले इसमें मिल जाएगी। इंटेल कोर i5th जनरेशन आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगी, और अगर मैं गेमिंग के लिए बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंटेल का ही प्रोसेसर यहाँ पे मिलता है, जो आप इस प्राइस रेंज में इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कह सकते। इसमें आपके लिए काफ़ी बढ़िया ये है। और यहाँ पे अगर मैं रैम की बात करूँ तो 4 GB की DDR4 रैम आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और हार्ड डिस्क की मैं बात करूँ तो 320 GB की आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क मिल जाएगी। आप इसे 1 TB तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर का लैपटॉप हो गया। प्राइस की मैं बात करूँ तो 19,990 रुपीज़ की प्राइस आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें हमने फ्रेंड्स एक पोस्ट भी बनाई है, आप नीचे पे हमारी वेबसाइट में भी इसे पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसमें भी लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, जो फ्रेंड्स RDP की तरफ से यहाँ पे लैपटॉप आता है। RDP ThinkBook 1010 करके फ्रेंड्स एक लैपटॉप सीरीज है इनकी। इसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया फीचर यहाँ पे मिल जाएंगे। 14.1 इंच की फुल HD आपको यहाँ पे डिस्प्ले इनकी मिल जाएगी। विंडो 10 प्रो आपको फ्रेंड्स प्री इंस्टॉल्ड इसमें भी मिल जाएगा, ऊपर वाले में विंडो 10 आपको मिल जाएगा। वैसे ही फ्रेंड्स इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो इनकी ग्राफिक कार्ड आएगा इंटेल HD ग्राफिक्स 500 आपको यहाँ पे इसमें ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। 4 GB की DDR4 रैम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। 64 GB की SSD फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिलेगी, जो काफ़ी बढ़िया फ्रेंड्स इस प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है। और इसे आप हार्ड डिस्क इसके एक्सपेंड करना चाहेंगे तो 1 TB तक आप उसे कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 19,990 रुपीज़ की आपको इसकी प्राइस रेंज यहाँ पे मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं फर्स्ट नंबर के लैपटॉप की, जो फ्रेंड्स यहाँ पे अविता की तरफ से आता है। ये तो आपने कंपनी का नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस कंपनी फ्रेंड्स आजकल चल रही है, और बहुत बढ़िया फीचर आपको लैपटॉप्स में मिल रहे हैं। तो इसका जो लैपटॉप है फ्रेंड्स, सीरीज तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं हल्का सा यहाँ पे बोलता हूँ, अविता इसेंशियल NE14A2INC3-MB करके एक इनकी सीरीज है, जो 20,000 से अंडर ही आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं इसके फीचर की बात करूँ तो 14 इंचेज की आपको यहाँ पे फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाएगी। विंडो 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें भी मिलेगा, और इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको जो इसमें मिलते हैं वो अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड विथ 600 आपको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड नंबर यहाँ पे इतना मिलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 20,000 से अंडर में अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं,
तो ये तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत बढ़िया लैपटॉप हो सकता है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कोई ऑफिस वर्क करते हैं तो ये तो आप आराम से इसके तरफ जा सकते हैं, और अगर आपने गेमिंग करनी है हल्की फुल्की तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको फ्रेंड्स 4GB की DDR4 रैम यहाँ पे मिल जाएगी और 128GB की फ्रेंड्स आपको SSD यहाँ पे मिल रही है, जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया आपको फ्रेंड्स मिल रही है। 1TB हार्ड डिस्क आप इसमें एक्सपेंड यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 20,000 रुपीज़ में फ्रेंड्स आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको मिलेगा, या हमारी वेबसाइट एक बार आप चेक कर सकते हैं जो techwithrakshit.in करके आपको मिलेगी। वहाँ पे भी आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलते रहते हैं, वहाँ पे भी आप इसकी पोस्ट पढ़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उस पोस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये मैंने जो लैपटॉप बताए थे आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।